इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। लव जिहाद के चक्कर में होटल गोल्डन नेस्ट के सामने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस आई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया और काफी देर रात तक पुलिसिया कार्यवाही चल रही थी, जिसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मामला गुरुवार रात का है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ कॉलेज के बच्चे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए होटल गोल्डन नेस्ट में आए थे, जहां पर वो लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक कुछ लड़के लड़कियां वहां आए। उन्होंने सभी लड़के और लड़कियों से उनका आई कार्ड मांगा, नाम पूछा। उसके बाद एक मुस्लिम नाम सुनकर अचानक मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ता गया और फिर पुलिस आ गई। कल रात होटल गोल्डन नेस्ट में रामानंद नगर पुलिस स्टेशन खादी में आता है, वहाँ पे कई लड़का कई कॉलेज का स्टूडेंट्स बर्थडे सेलिब्रेशन के गए था। वहाँ पे कई लोग आके उसमें एक लड़का, वो एक मुस्लिम है शोएब करके उनका नाम है, उनके पास आके उनको मारहाण किया है कि उनको लगा कि ये कुछ लव जिहाद का मैटर है करके, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको मारहाण करने के बाद तुरंत हमको पता चला, पुलिस वहाँ पे पहुँच के उनको हॉस्पिटल में लेके गया। फिर बाद में सब जो भी लड़का है उधर जो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो पुलिस स्टेशन में आए हैं, उसमें एक बंदा कंप्लेंट दिया है। उसके अनुसार हम रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में 326 प्लस राइट सेक्शन दाखिल किया है। अभी तक हम 6 लोगों को अटक किया है और बाकी जो भी लोग इन्वॉल्व है उसके लिए अभी हमारा पुडिल तपास चालू है, अभी लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चालू है। पुलिस ने भी अपनी तहकीकात शुरू की, जिसके साथ मारपीट हुई थी उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर कुछ लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जानकारी मिल रही है कि उनमें शहर के किसी महिला पदाधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसने लव जिहाद का नाम देते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना के बाद काफी समय तक पीड़ित और उनके साथ मारपीट करने वाले लोग पुलिस के चंगुल से बाहर थे। बताया जा रहा है कि उन्हें किसी अन्य राजनीतिक महिला पदाधिकारी ने वहां से निकाला था और अफवाह ये भी है कि सभी कुछ सेटलमेंट करने के बाद उन्हें पुलिस थाने में हाजिर किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद लोगों की मांग है कि वहां पर जो भी महिला पदाधिकारी पहले आई थी, जिसने लव जिहाद का नाम देकर मारपीट करवाई, उसे और एक महिला पदाधिकारी बाद में आई थी जिसने अपनी गाड़ी में बिठाकर पीड़ितों का सेटलमेंट करने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर केस दर्ज किया जाए और चमकोगिरी के लिए बखेड़ा खड़ा करने वाली महिलाओं को अवश्य सजा दी जाए। जलगांव से जग्गी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइंस जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।